बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम का नवंबर वादा देख रहे हैं 13,515 पर है, 13,650 का ही लगा चुका है, 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। और ग्वार सीड के नवंबर वादा देख रहे हैं 7,132 पर कारोबार कर रहा है, 7,185 का ही लगा चुका है, 2.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतों में आज शाम के कारोबारी सत्र में भी, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी एक शानदार बढ़त के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। बीते सत्र में हमने ग्वार की कीमतों में मुनाफा वसूली आती हुई देखी थी, कुछ कीमतें नरमी के साथ कारोबार करती हुई नजर आई थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि ग्वार की कीमतों में एक बार फिर से खरीदारी निकलती नजर आ रही है। दरअसल ऐसा कोई फंडामेंटल ग्वार में अभी बन नहीं रहा है जो गिरावट का कारण बने, क्योंकि हमने देखा है कि क्रूड में भी ओवरऑल जो लेवल्स हैं पहले के मुकाबले ठीक ठाक ही हैं। हालांकि क्रूड की कीमतों में भी हमने एक हल्की सी करेक्शन आते हुए देखी थी, लेकिन कच्चे तेल पहले के मुकाबले अच्छे लेवल्स पर है, और दूसरा ग्वार की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ग्वार की कीमतों में तेजी का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है, सबसे मुख्य कारण ग्वार की कीमतों में तेजी का है ग्वार का उत्पादन, जो कि इस साल बहुत ही कम रहने वाला है, आधे से भी कम बताया जा रहा है। पिछले साल देखा था कि 50 से 60 लाख बोरी का हुआ था, इस बार 25 से 30 लाख बोरी का बताया जा रहा है ग्वार का उत्पादन, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम ही है। तो उत्पादन ना के बराबर, आधे से भी कम होना, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं ना के बराबर होना, क्योंकि इस बार बुआई के समय बारिश की गतिविधियों के चलते बुआई नहीं हो पाई है। और दूसरा जो पहले वाला ग्वार का स्टॉक था, जो स्टॉकिस्टों के पास, व्यापारी के पास, किसानों के पास था, अभी वो धीरे धीरे अब यूज़ में आता हुआ नज़र आ रहा है, अब वो धीरे धीरे इस्तेमाल होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से किसानों को, व्यापारियों को और स्टॉकिस्टों को एक अच्छा मौका मिला है अपनी ग्वार निकालने का। हाजिर के अंदर ग्वार की जो कीमतें हैं वो भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, ले वाली ठीक ठाक ही है। अभी व्यापारियों को ये भी उम्मीद है कि जो ग्वार है आगे जाके 15,000-16,000 तक के भी लेवल्स दिखला जाए, लेकिन अभी जो व्यापारी ये तेज़ी बनती हुई नज़र आई है एकदम से, व्यापारियों ने इसके चलते ये उम्मीद लगाई है। अब ये वक्त ही बताएगा क्या ग्वार के अंदर 15,000-16,000 तक की बिलावस देखने को मिलेंगे या नहीं, लेकिन ज़्यादातर व्यापारी और जो किसान हैं उनको उम्मीद है कि जो ग्वार है 15,000 या फिर 15,000 का आंकड़ा पार करके ज़रूर दिखाएगा।